नमस्कार दोस्तों, आप सभी बालाजी महाराज की कृपा से अच्छे होंगे और अच्छे रहने की अंजनी माता से प्रार्थना करता हूँ। आज मैं बीकानेर जिले के पूर्णरसर गांव में अंजनी माता के मंदिर आया हुआ हूँ। यह मंदिर 300 वर्ष पुराना मंदिर है और वर्तमान समय में यह रोड से 18 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण कार्य में सिकंदरा के पत्थर और मकराना का मार्बल यूज हुआ है। यह अंजनी माता का मंदिर जो पूर्णरसर गाँव से 1 किलोमीटर बाहर बना हुआ है। इस मंदिर में आपको विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की फ़ोटो के दर्शन करने को मिलेंगे, जैसे गणेश जी, शिव जी, राम दरबार, अंजनी माता और नवदुर्गा आदि। इन देवी देवताओं की फ़ोटो, काफ़ी सारी फ़ोटो हैं, वो आपको मिलेगी। और ये वीडियो आपको देखने में यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लास्ट में हमारे द्वारा ली गई जितनी भी फ़ोटोएँ हैं वो फ़ोटोएँ भी मैं लास्ट में ऐड कर दूँगा, ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो जाए और क्लियरिटी भी आपको अच्छी मिले। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो अंजनी माता का मंदिर है, इस अंजनी माता के मंदिर का जो मेन दरबार है, जो मेन गेट है, यहाँ पे एक घंटी जो लगी हुई है, ये घंटी राजलदेसर के दुगड़ बाणियों द्वारा यहाँ पे चढ़ाई गई है। इस पर नाम अंकित है, वो भी आप नाम रीड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेल है, ये बेल बहुत ही शानदार बेल है, मैंने इसकी पूरी कवरेज कर ली। और ये जो मंदिर है, ये एक बुद्ध मंदिर के रूप में इसकी डिज़ाइन की हुई है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद में आपको अंदर का जो है उसका निर्माण कार्य, जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है अंदर से मंदिर का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो मेन गेट है मंदिर का, ये आप देख सकते हैं, मेन गेट आपने देख लिया होगा। मेन गेट पे भी गणेश जी की मूर्ति है, वो भी मैं आपको वापस दिखा दूँगा। और ये जो जितने भी पत्थर यूज़ किया हुआ है, ये पत्थर विदाउट सीमेंटेड इंटरलॉक के माध्यम से यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे पूरी देखिए, हाथ से खुदाई, मशीन से खुदाई करके उसके बहुत ही शानदार निर्माण किया गया है मंदिर का, बहुत ही शानदार यूज़ किया हुआ है। ये जो ऊपर जो नज़र आ रहा है वो मार्बल यूज है। और अब ये आप देख सकते हैं, ये जो मेन गेट है, मेन गेट के चौगट पे जो मूर्ति लगी हुई है, जहाँ लगी हुई है, ये गणेश जी की है। कोई भी मंदिर में जाओ, गणेश जी की मूर्ति आपको देखने में मिलेगी। प्रायकर जितने भी मैंने देखा है वहीं पर गणेश जी की मूर्ति देखने को मिली है। अब आप मंदिर के अंदर देख सकते हैं, यह मंदिर का अंदर का आप दृश्य देख सकते हैं। जो फर्श है, उस फर्श की देखिए कितनी शानदार पेंटिंग, कितनी शानदार कारीगरी की हुई है। और ये पंडित जी यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं, इनसे भी हम आपको मुलाकात करवाते हैं। ये नंद किशोर जी पांडे हैं, जो राजलदेसर के हैं, यहाँ पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और हंसमुख हैं। तो इनसे मैं परमिशन लेने के बाद में अंदर का जो वीडियो शूट है वो मैं शूट किया था, लेकिन ये बाहर से किया हुआ है, लेकिन आपको मैं क्लियर दर्शन करवा दूंगा। तो ये मैंने अच्छे से शूट किया था, तो मैं पंडित जी से पहले परमिशन लिया था, परमिशन लेने के बाद में ये मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप भी हमारा वीडियो ज़रूर देखना, और आगे का जो फोटोज़ वगैरह है वो भी आप ज़रूर देखना और उनके दर्शन करना। और दोस्तों, आप पूर्णरसर के अंजनी माता मंदिर कौन कौन यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी बंदे आए हुए हैं यहाँ पे, वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताना आप कहाँ से हैं और कब आए थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पूर्णरसर बालाजी वाला जो धाम का मंदिर का जो वीडियो है, उस वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक ये वीडियो आप कम्प्लीट देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।